नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के दिन बहुत विशेष होते हैं और इन दिनों में बहुत से कामों को करना निषेध माना गया है। इस वक्त सभी भक्त 9 दिनों तक उपवास करते हैं और माँ की मूर्ति की स्थापना करते हुए उनकी पूजा से जुड़े कई नियमों का पालन भी करते हैं। बता दें कि नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिनों का व्रत का बहुत महत्व है और इन 9 दिनों में व्रत रखने वालों के कुछ नियम भी हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को इस व्रत के दौरान दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के होते हैं और इन दिनों केवल पूजा और पाठ करें। अगर आप इस दौरान अपनी दाढ़ी, मूंछ या बाल कटवाते हैं तो देवी रुष्ट होती हैं और श्राप देती हैं। इसी के साथ ऐसा भी कहा जाता है अगर आप ऐसा करते हैं और आप घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं और आपको आगे जाकर मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। मान्यता है कि इस दौरान ना सिर्फ दाढ़ी, मूंछ और बाल बल्कि आपको अपने गुप्तांगों के बाल भी नहीं काटने चाहिए। एक और मान्यता ये भी है कि इस दौरान आपको आध्यात्मिक तौर पर अपने शारीरिक रूप रंग से बढ़कर माँ देवी के आराधना में खुद को लीन करना चाहिए और शारीरिक सुख सुविधाओं को त्याग कर सिर्फ माँ की भक्ति में ही 9 दिनों को व्यतीत करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।